अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम, खुश आमदीद एक बार फिर से। आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के हवाले से, जो कि बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले जो है इसकी कीज़ हैं 61, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट और बेहतरीन म्यूज़िक के साथ, डबल स्पीकर और साथ में रिदम्स कुछ हैं इसके अंदर, 300 और 300 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इसका बॉक्स है और इसके फ्यूचर वगैरह हम आपको बताते हैं कि क्या फ्यूचर है इसके अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं, मज़ीद भी हम बॉक्स को टेढ़ा फेढ़ा करेंगे। तो जनाब, इस वक्त जो है इसका मॉडल है YM758, जो कि बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है, और इसमें आपको USB वगैरह भी इस्तेमाल करने को मिलती है, काफ़ी चीज़ें हैं इस वक्त। चलें हम इसके चलते हैं मशीन की तरफ, जो कि ये है। तो जनाब, वो बॉक्स था, उसमें फ्यूचर वगैरह हम आपको बता रहे थे, पर अब हमने ऑन किया। ऑन ऑफ इसका थोड़ा सा ठीक है। इसका जो अडाप्टर है वो तकरीबन ट्रांसफार्मर वाला है, जो कि काफ़ी यानी कि बेहतरीन काम करता है। अगर वोल्टेज वगैरह कम होंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं मसला ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऑटो सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जनाब, ये हमने ऑन किया हुआ, इसमें सबसे पहले आपको रिदम्स वगैरह देते हैं, जो कि क्लासिकल वगैरह और फोक के हवाले से भी 30-35 कैटेगरीज वगैरह हैं। इसमें काफ़ी जो है आपको पियानोज वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे शायद। तो ये जितने भी लोग जानते हैं इस म्यूज़िक के हवाले से, जो इतने टून्स वगैरह आ रहे हैं इसके अंदर, तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि यार इसके अंदर क्या है। पर मैं आपको ये तसल्ली ज़रूर दे सकता हूँ कि जितने भी टून्स वगैरह आ रहे हैं हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, कि इसमें वाकई इन लोगों ने कमाल कर दिया। अगर आप यामा वगैरह यूज़ करने वाले लोग हैं, तो यामा के मुकाबले में कम कीमत में ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी वगैरह देता है, ठीक है। इसके अंदर आपको इसके बटन वगैरह दिखाते हैं जी, पावर बटन और टच वगैरह, और ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ्यूचर्स वगैरह हैं। बाकी यहाँ पे इसके ये भी चीज़ें, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, पर मुझे बोला गया कि आप इसका वीडियो बनाएं रिव्यू के हवाले से। तो हमने जब इस्तेमाल किया, इसका ट्रैक बनाया, तो हमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला, ठीक है जी। और इसका USB पोर्ट, जिसमें आप अपना कोई रिदम वगैरह अलग से कैरोकी वगैरह आप इसके अंदर डाल के जो है ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में रिकॉर्ड का भी बटन वगैरह यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना टून्स बजाएं और रिकॉर्ड भी करें, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद प्ले वगैरह भी यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। EQ मोड वगैरह भी है, जो कि आप आवाज़ को बेहतरीन कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, इसके टोन्स हम बजा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। बजाना आता नहीं है मुझे, पर कोशिश करूँगा मैं। अच्छा जी, म्यूज़िक जो है आप सुनते तो रहते हैं, और काफ़ी लोग म्यूज़िक को सुनते हैं और एकदम से रिजेक्ट भी कर देते हैं। म्यूज़िक बजाना बहुत मुश्किल होता है। म्यूज़िक बजाने वाले लोग जो हैं बड़े अनमोल हैं भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे हाथ रखना मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बजता कैसे है, ठीक है। तो जनाब, अगर आप यामा यूज़ करने वाले लोग हैं, तो ज़रूर आप इस कीबोर्ड को परचेज़ करें। इसमें आपको हर चीज़ मिलने वाली है, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल, इंडियन म्यूज़िक की जितने भी टोन्स वगैरह आजकल आप रिसेंटली अपडेटेड गाने जो सुन रहे हैं, सब इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन कोई आपको पता है कि डबल रेट पर ही मिलता है सब कुछ। अगर बाहर मुल्क में, क्योंकि ये चाइना का ब्रांड है, चाइना में इसकी कीमत 28,000 रुपये, और यहाँ पर आकर अभी हमें 35 का पड़ जाता है। ये अब डॉलर 189 था जब हमने इसे ख़रीदा था, तो उस टाइम हमें 35 का पड़ा। अगर डॉलर अप डाउन होता है, तो समझ लें कि आपकी कीमत में इजाफा होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान या फिर किसी और मुल्क से अगर आप इसे कोई ख़रीदते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड है,
तो वहाँ के लोग और कीमत में इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी वेबसाइट पर भी देखा है, काफ़ी जगहों पे, काफ़ी मुल्कों में ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब पर इसकी काफ़ी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो मेरा मानना ये कि अगर आप एक कम बजट में बेहतरीन कुछ लाइव प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो कि महफिल्स वगैरह होती हैं, गज़ल वगैरह के प्रोग्राम, क्लासिकल और ये सब, उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। और अगर आप कोई ट्रैक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका इनपुट और आउटपुट की तरफ, जो कि उसके अंदर क्या इन्होंने क्वालिटीज़ वगैरह दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये कुछ इन्होंने कोई ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है, जो पैर से बजाते रहते हैं, कुछ डब्बा टाइप होता है, अच्छा जी। उसके बाद मीडी, जो कि कंप्यूटर जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए बड़ी काम की चीज़ होती है, इसमें ये काम बिल्कुल नहीं करती। आप दिन रात एक मत करें, जितने भी कंप्यूटर आप सोच रहे होंगे कि FL स्टूडियो वगैरह के साथ इसे आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं काम करेगा, इसके लिए आपको अलग कुछ लेना पड़ेगा। मोबाइल की ऑडियो इनपुट भी मिलती है इसके अंदर, आप अपने मोबाइल से आउटपुट करके गाना इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग्स के कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, जो कि मिक्सर के साथ टच होते हैं, और साथ में हेडफोन भी है इसका, जो कि हेडफोन आप अपने ये लगा हुआ है पर हमने इसे मिक्सर में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए ये सब होता है, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन इसकी क्वालिटीज़ वगैरह हैं। और जितने दोस्त अगर यामा ख़रीदना चाह रहे हैं और उनके पास इतना बजट नहीं है, तो भाई हम आपको यही मशवरा देंगे, आप YM758 ख़रीद सकते हैं, ये भी उसके मुकाबले में काम करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है जी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।